अघनाशिनी नदी के तट पर स्थित मिर्जन किला मिर्जन फोर्ट गोकरहा हमारे गौरवशाली इतिहास की शाही याद दिलाता है। ये कर्नाटक के कुमता शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है और 4.1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये किला 16वीं और 17वीं शताब्दी में कई पिछली लड़ाइयों का स्थल भी माना जाता है और यह 1785 तक कार्यात्मक था। बाद में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपने शस्त्रागार के लिए इस्तेमाल किया। ये पिछले युग की उल्लेखनीय वास्तुकला से अलंकृत है, जैसे कि नहरें, खंदक, गुप्त मार्ग और इसके आधार को मजबूत करने के लिए कई अन्य विचार। शानदार किला वास्तव में एक परी कथा महल की छाप देता है जो सभी घास और अतिवृद्धि से ढका हुआ है। इस समय परीक्षणित भवन का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध लेटराइट पत्थर से किया गया है। मिर्जन फोर्ट गोकरहा किंवदंती कहती है कि यह डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश के साथ मसालों के विदेशी व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में कुछ जीर्णोद्धार से गुजरा है। वर्ष 2001 में संगठन द्वारा कई पुरातात्विक उत्खनन भी किए गए थे जिन्होंने मध्ययुगीन काल से संबंधित कई लेटराइट संरचनाओं का पता लगाया था। पुर्तगाली वायसराय कोंडे डी सरजेदास के सोने के सिक्के जैसे अन्य पुरातन खोज भी तोप के गोले, चीनी मिट्टी के बर्तन और इस्लामी शिलालेखों के साथ मिट्टी की गोलियों के साथ पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि किले के परिसर में एक छिपा हुआ खजाना था जिसे बाद में अंग्रेजों ने चुरा लिया था। इस ऐतिहासिक स्मारक के आसपास के सुखद जीवन के बीच बसा देश के पर्यटन परिदृश्य में एक खोया हुआ रत्न है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। मिर्जान किले की वास्तुकला। किला स्थानीय रूप से उपलब्ध लेटराइट पत्थरों से 10 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। भारतीय किलों की वास्तुकला के तरीके से निर्मित ये पुर्तगाली और इस्लामी संस्कृति के प्रभाव को भी दर्शाता है। मिर्जान किले को सबसे कठिन लड़ाई का सामना करने और घेराबंदी के तहत बने रहने के लिए बनाया गया है। बाद में या युद्ध के दौरान उपयोग के लिए पानी को संरक्षित करने के लिए अंदर कई कुओं का निर्माण किया गया है। ऊंची दीवारों, पैरी दुर्ग और बुर्जों ने इसे सबसे सुरक्षित किलों में से एक बना दिया। 4 प्रवेश द्वार, 1 मुख्य और 3 सहायक और कई परस्पर जुड़े हुए कुएं हैं जो गोलाकार खाई की ओर जाते हैं। शायद किले की रक्षा के लिए एक रक्षा उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। खाई किले की सीमा के बाहर नहर के काम की ओर जाती है और इसे पूरी तरह से घेर लेती है। दुश्मन के हमलों के दौरान जल्दी से भागने के लिए एस्केप गेट भी बनाए गए हैं। मिर्जन फोर्ट गोकरहा परिसर में एक पेड़ के नीचे एक मंदिर भी मौजूद है। कई लड़ाइयों के बाद किला अब ज्यादातर खंडहर में है जिसे ASI द्वारा कुछ हद तक बहाल किया जा रहा है। जीर्णोद्धार कार्य में उत्तरी गढ़ किलेबंदी को क्षेत्र में पाए गए पत्थरों से पुनर्निर्मित किया गया है। जंगली जंगल के विकास को भी साफ कर दिया गया है। मिर्जान किले का इतिहास। 1565 में तल्लीकोटा की लड़ाई के बाद जब बीजापुर सुल्तानों ने इस क्षेत्र पर हमला किया तो उसने अपना शक्ति आधार मिर्जन से शरवती नदी के बीच में एक द्वीप पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और कई जैन बसादियों का निर्माण किया। 1757 में किले पर मराठों का नियंत्रण हो गया और 1784 में इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। एक अलग संस्करण बताता है कि किले का निर्माण नवयत सल्तनतों द्वारा 1200 ईस्वी पूर्व में किया गया था और उसके बाद यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गया। मिर्जन फोर्ट गोकरहा किले की उत्पत्ति के एक अन्य संस्करण के अनुसार इसे बीजापुर के कुलीन शेरिफ उल मुल्क द्वारा कुमता शहर और इसके दक्षिण में स्थित कुमता किले की रक्षा के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में बनाया गया था। एक और संस्करण बताता है कि मिर्जान किला विजयनगर साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाद में जब साम्राज्य गिर गया, बीजापुर सुल्तानों ने इस पर कब्जा कर लिया और गोवा के तत्कालीन गवर्नर शरीफुल मुल्क ने इसे अपनी पसंद के अनुसार नवीनीकृत किया। 1676 में केला की रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई, राजवंश ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1757 में स्थानीय विद्रोह और हंगामे का फायदा उठाकर मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया और फिर 1784 में ब्रिटिश सरकार मेजर टोरियानो ने इस पर कब्जा कर लिया। ये 16वीं और 19वीं शताब्दी के बीच काली मिर्च, तेजपत्ता और जायफल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मिर्जन फोर्ट हिस्ट्री अनगिनत लड़ाइयों के बावजूद ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जबकि इसके सटीक इतिहास के बारे में कई सिद्धांत हैं, ये स्पष्ट है कि इसने विजयनगर राजाओं, बीजापुर सुल्तानों, केलादी राजाओं, मराठों और अंग्रेजों के शासन को देखा है। मैं मिर्जन किला नामक लेटराइट रॉक संरचना के बारे में बात कर रहा हूं जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में कुमता और गोकर्ण के बीच अघनाशिनी नदी के तट पर स्थित है। जबकि 16वीं सदी के इस स्मारक का एक समृद्ध अतीत है, मुझे इसके जीवन हरे रंग के लिए ये पसंद है कि यह मानसून के मौसम के दौरान होता है। उच्च आर्द्रता, तेज धूप और लगातार भारी बारिश ये सुनिश्चित करती है कि काई इस लाल भूरे रंग की लेटराइट रॉक संरचना को अपने ऊपर ले लेती है और इसे एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है जो और भी अधिक हरियाली से घिरा होता है। पृष्ठभूमि में लहराते नारियल के तार, उष्णकटिबंधीय जंगल और पश्चिमी घाट इस जादुई हरे रंग की रचना को पूरा करते हैं।
अपने सुनहरे दिनों में मिर्जान किले मिर्जन फोर्ट गोकरहा ने एक सुरक्षात्मक गोलाकार खाए। इसके बुर्जों पर ऊंचे बुर्ज, गुप्त मार्ग, दरबार हॉल, बाजार, जल प्रबंधन, प्रार्थना कक्ष, वॉच टावर और बहुत कुछ का आनंद लिया। आज संरचना अपनी सारी महिमा में आंतरिक संरचनाओं को छोड़कर लंबी है और प्रकृति को इसे अपनी इच्छानुसार सजाने की अनुमति देती है।